हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कंप्यूटर हिंदी notes.com से, और आज इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में डू व्हाइल लूप कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको फॉर और व्हाइल लूप के बारे में समझाया था, और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डू व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है, और इसका एक एग्जांपल भी हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लूप होते हैं उनको हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा काउंटर कंट्रोल लूप, और दूसरा होता है हमारा कंडीशन कंट्रोल लूप। तो कंडीशन कंट्रोल लूप में भी हमारे पास दो टाइप के लूप हैं, एक है एंट्री कंडीशन और एग्जिट कंडीशन, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो अगर व्हाइल लूप है उसमें पहले कंडीशन चेक होती है, बाद में लूप चलता है। वहीं डू व्हाइल में पहले लूप चल जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। दोस्तों, व्हाइल लूप और डू व्हाइल में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, और वो ये होता है कि व्हाइल लूप में अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही गलत है तो लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, जबकि डू व्हाइल लूप में कम से कम एक बार लूप चलेगा ही, एक बार जो उसके अंदर बॉडी लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी ही, भले उसकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पहली बार में ही कंडीशन गलत हो जाएगी तो हम ऐसा लूप बनाएंगे ही नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है कि कंडीशन कंट्रोल लूप में कंडीशन ही इंपॉर्टेंट होती है, और अगर यूजर कोई वैल्यू इनपुट कर रहा है तो हमें पहले से मालूम ही नहीं होगा कि क्या वैल्यू रहेगी, तो इसके हम कंडीशन भी नहीं लगा पाएंगे उस हिसाब से। तो इसीलिए हम लोग वहां पे डू व्हाइल यूज करेंगे कि जब हमें कम से कम एक बार तो लूप एग्जीक्यूट करना ही है। और इसको बेहतर ढंग समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, और वो एग्जाम्पल ये है कि हम एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करना है जहां पे यूजर वैल्यू इनपुट कर रहा है, और वो वैल्यू हम लोग लूप में इनपुट कराएंगे, मतलब उससे हम वैल्यू लेते ही जाएंगे जब तक वो जीरो इनपुट नहीं कर देता। जैसे ही वो जीरो इनपुट करेगा, हम उसको आंसर में उसका सम दिखा देंगे जितने भी उसने नंबर एंटर किए होंगे। अब इसको कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सपोज नम, और यहाँ पे हम लिखेंगे डू। हम पहले इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं एक बार कैसे लगाते हैं। डू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे व्हाइल लिखते हैं, और हमारी यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। तो आप देखोगे जैसे सिंटेक्स से ही समझ में आ रहा है आपको कि डू दिस मतलब पहले ये काम करो, देन उसके बाद कंडीशन चेक करो। और दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सेमी कोलन लगाना पड़ता है। अब हम यहाँ पे जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे हम वो लिखते देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। हम ये करना है कि हमें नम की वैल्यू इनपुट करानी है हर बार, तो हम उसको लूप के अंदर लिखेंगे। हमें लिखा एंटर एनी नंबर एंड 0 टू स्टॉप, नंबर एंटर हो गया। हम एक वेरिएबल और यहां डिफाइन कर देते हैं, सपोज सम, और उसकी वैल्यू हमने 0 डिफाइन कर दी, क्योंकि हमें जितने भी नंबर यूजर एंटर कर रहा है उनका हमें सम भी करना है। तो हमें लिखा सम, सम इक्वल टू सम प्लस नम, तो जो भी नंबर में वैल्यू आएगी वो सम में हम ऐड करते जाएंगे। और हमारी कंडीशन क्या है, हमने आपको पहले बताया था कि लूप कब तक चलाना है, जब तक नम की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। उसके बाद हम इसका सम करके यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे हमें लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो जैसी लूप खत्म होगा, जैसे यूजर 0 इनपुट करेगा तो हमें सम दिखाना है, तो सम ऑफ ऑल नंबर इज प्लस सम, ठीक है। अब इसको हम यहां पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले स्क्रीन में हमें क्या आ रहा है, प्रॉम्प्ट आ रहा है कि हमें एक नंबर एंटर करना है। सपोज हमने नंबर एंटर किया 12, ठीक है, और इसके बाद से हम कुछ नंबर यहां पे एंटर कर रहे हैं। अब अगर हम यहां पे वैल्यू 0 डाल देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहां पे सम आ रहा है। पर देखिए सम यहां पे कैसे आ रहा है, ये ऐड हो रहा है, कॉन्केटिनेट हो रहा है स्ट्रिंग। तो हमने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि हम यहां पे नंबर को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां पे हम लगा देंगे पार्स इंट। ध्यान रखिएगा पार्स इंट में आई जो होता है वो कैपिटल होता है। अब क्या होगा, इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार, रिफ्रेश किया, और यहां पे हम सपोज डालते हैं पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और 50, और हम यहां पे अब 0 डालते हैं स्टॉप करने के लिए, और ओके किया तो आप देखोगे इसका सम आ गया अब यहां पे। तो इस तरीके से हम यहां पे आप देखोगे कि हम जब तक नंबर एंटर कर रहे हैं जब तक वो एंटर करता रहेगा, और जैसे 0 डालेंगे तो वो प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब मान लीजिए यहां पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं और फर्स्ट टाइम में हम 0 डाल देते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। पर आप देखेंगे कि लूप जो है वो कम से कम एक बार तो चल रहा है, मतलब ये कम से कम एक बार तो हमें नंबर एंटर कराना ही है ना,
क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि यूजर क्या डालने वाला है। तो कम से कम इस लूप को हम एक बार चलाना चाहते हैं, इसलिए इसको हम डू वाइल से बना रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि डू वाइल लूप कैसे यूज करते हैं और इसकी जो जरूरत है वो कहां पर पड़ती है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।